जो भी चाहिए Z5 ऐप पर बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। वेदांत तो सबसे प्यार करता है, लेकिन ऐसा क्या है जो वो अपने ही परिवार से प्यार पाने को तरसता है? जानने के लिए देखिए वेदांत की कहानी राजा बेटा, शाम 6:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। मुझसे पहले ही आ गए? मैं पहले से ही था, तुम बाद में आए। चलो अब मैं आ गया हूं तो तुम जा सकते हो, तुम आ गए तो मैं चला जाऊं, ये जरूरी तो नहीं। ये तो बताओ जा कहां रही हो? मेहंदी लगाने। मेरे नाम की? मैंने मेहंदी लगवानी बंद कर दी, लगवाऊंगी भी तो आपके नाम की नहीं, आप मेरे हस्बैंड नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि तुम मुझे सच बता सको, या फिर इतनी हिम्मत दे कि तुम मेरा सच सुन पाओ। आप कैसे कर लेती ये बातें? आप भी तो शादीशुदा है ना? शादीशुदा नहीं है। जैसे पहले नहीं थी, जब मुझसे शादी की थी और छुप छुप कर तरुण से मिलते थे। ये तो बताओ जा कहां रही हो? मेहंदी लगाने। मेरे नाम की? मैंने मेहंदी लगवानी बंद कर दी, लगवाऊंगी भी तो आपके नाम की नहीं, आप मेरे हस्बैंड नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि तुम मुझे सच बता सको, या फिर इतनी हिम्मत दे कि तुम मेरा सच सुन पाओ। आप कैसे कर लेती ये बातें? आप भी तो शादीशुदा है ना? शादीशुदा नहीं है। जैसे पहले नहीं थी, जब मुझसे शादी की थी और छुप छुप कर तरुण से मिलते थे। तुम अगर चाहते हो कि मैं और ना पीऊं तो तुम वो बात बता दो जो तुम और किंग मुझे छुपा दे। तो मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। यू लाइक प्रज्ञा? तुम प्रज्ञा को पसंद करते हो? फिर से करते नहीं मत। जो तू रुस जानी है दिल ये टूट जानी है, तेरे संग संग रहा सारी कट जानी है। जो तू रुस जानी है दिल ये टूट जानी है, तेरे संग संग रहा सारी कट जानी है। मैं ता तेरे नाल रहना मान एना मेरा कहना, मेरी अखियों से होना कदी दूर ना। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। नशे में होने का फायदा उठा रही हो, किस तो नहीं करने वाली मुझे? छोड़िए मुझे। अरे यहां अकेले बैठ के रो क्यों रही हो? आपसे मतलब? हर बात लाइफ में मतलब की वजह से नहीं की जाती, कभी कभी दिल को हल्का करने के लिए,
बात कर लेनी चाहिए। दिल हल्का करने के लिए बात कर लेनी चाहिए। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। दिल उदास हो तो दो बात करके फिर भी हल्का हो जाए, लेकिन टूटे दिल को कोई कैसे हल्का कर सकता है मिस्टर किन? आप तो शायद ये बात समझेंगे भी नहीं। कभी प्यार में दिल टूटा हो तो शायद समझ सकते हो। You know, it hurts. कहते हैं लकी होते हैं वो लोग जो प्यार करते हैं। Nonsense. लकी नहीं होते मिस्टर सिंह, लकी वो होते हैं जो प्यार करते हैं और जिनका दिल नहीं टूटता। बड़ा फूल आया हो गया प्यार, लगा लिया दिल, टूट गया दिल। मेरी गलती क्या है इसमें मिस्टर सिंह? मैंने तो सिर्फ प्यार किया ना। एक तरफा प्यार के साथ आप फिर भी जी सकते हैं, लेकिन टूटे हुए दिल के साथ आप नहीं जी सकते। मुझे लगा था कि वाओ आलिया यू आर इन लव, लाइफ इज गोना बी ब्यूटीफुल, लेकिन नहीं। प्यार तो हो गया लेकिन प्यार कभी मिला नहीं। I'm sure आपने सुना होगा कि प्यार में लोग कितने अच्छे बन जाते हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, लेकिन it doesn't happen always. कभी कभी प्यार आपसे गलत चीजें भी करवाता है। मैंने की है, बहुत गलत चीजें की है मैंने पूरब को पाने के लिए। मैं मानती हूँ, but I swear love made me do it. आज भी अगर पूरब और तिशरा को साथ में देखती हूँ तो It really hurts. उन दोनों को मैं साथ में नहीं देख सकती। और कुछ करने का मन करता है, हर हद पार करने का मन करता है, क्योंकि मैं पूरब को चाहती हूँ, लेकिन फिर रुक जाती हूँ। जानते क्यों? मैं चाहती हूँ मेरी खुशी पूरब में है, लेकिन पूरब की खुशी दिशा में। मैं जब भी सोचती हूँ कि कुछ भी करके उन दोनों को अलग कर दूं तो मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर पूरब दिशा से अलग होगा तो पूरब का दिल टूट जाएगा, फिर वो भी मेरी तरह उदास हो जाएगा। मैं जिंदगी भर उदास रहूंगी, वो चलेगा, लेकिन पूरब का दिल टूटना नहीं चाहिए मिस्टर की। मैं टूटे दिल के साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सकती हूँ, लेकिन पूरब को हर्ट नहीं देख सकते। I don't know. I really don't know. मैं क्या करूं? जो मुझे चाहिए मैं वो करूं या पूरब की? अपनी किस्मत से लड़ूं या किस्मत को बदल दूं? अपने दिल की सुनूं या दिमाग की? I just don't know what to do. I just don't know, Mr. Singh. कभी कभी दूर से पूरब को देखकर खुश हो जाती हूँ और फिर आप जैसे लोग होते हैं जो आकर ताने मारते हैं, मुझे परेशान करते हैं। खुश रहो, अपने लिए कोई ढूंढ लो। आसान नहीं है मिस्टर किंग, आसान नहीं है, और ये बात आप तब समझेंगे जब आपका दिल टूटेगा। आपको समझ में आएगा कि कितना दर्द होता है। इसलिए प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए, लेक्चर देना बंद कर दीजिए, मुझे बात बात पर समझाना बंद कर दीजिए। अगर करना ही है तो समझने की कोशिश कीजिए। That I'm just a girl who wants to be loved. I just want to be loved, Mr. That's all. घोर कलयुग आ गया है, बीवी कहीं और पति कहीं और। हे भगवान, अब आगे और क्या दिखाना बाकी है? मैं तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन
तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। क्या? प्रज्ञा को मार दो। जो चीज मेरी नहीं हो सकती वो किसी और की भी नहीं हो सकती। मैं प्रज्ञा की लाश के ऊपर चलकर ही तुम्हारे पास आऊंगी।